नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, घर में इन चीजों का होना कर देता है बर्बाद, कंगाल हो जाता है इंसान। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग धन तो कमाते हैं लेकिन उनके पास लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, हर समय वो तंगहाल बने रहते हैं, कई बार तो वो कंगाली की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। कई बार हम घर में अनजाने में ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता है। वास्तु की इन चीजों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए ताकि गलती से भी गलती ना हो और आप तंगहाली की तरफ अग्रसर नहीं हो। घर में कभी न करें ये चीजें, पानी की बर्बादी कर देगी कंगाल। अगर आपके घर में पानी की बर्बादी होती है तो ये अशुभ है, ऐसा होना आपको कंगाल बना सकता है। पानी को कभी भी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, जितने पानी की जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई नल टपकता है या फिर वो सही से बंद नहीं होता है तो मैकेनिक को बुलाकर उसे तुरंत ठीक करा लें। अगर ऐसा जारी रहता है तो यह आपके लिए आर्थिक संकट ला सकता है। घर में ना रखें टूटे हुए बर्तन। घर के भीतर टूटे हुए बर्तन को रखना अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र में भी इसके बारे में साफ कहा गया है कि टूटे बर्तन घर में रखना वर्जित है। अगर आप अपने घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो ये आर्थिक संकट के आह्वान जैसा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो घर में रखे टूटे हुए बर्तनों को तुरंत बाहर कर दें, गलत आमदनी पड़ेगी भारी। अगर आप अपने घर में गलत कामों से हुई आमदनी रखते हैं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। गलत तरीके से कमाया गया धन दरिद्रता का कारण बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।